सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन। डाउनलोड द ऐप। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? क्या गलती हो गई मुझसे? नहीं नहीं अभिजीत, गलत मत समझो, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। दरअसल मैं निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था। अरे लेकिन क्यों? मैंने तुम लोगों को बताया था ना, वरुण पर दो बार हमला किया गया। अरे सर वो तो हमें मालूम है, आगे कुछ बात बनी? बनी है, मैं समझाता हूँ। देखो पहले किसी ने चाकू से वार किया इसके यहाँ पर, और उसके बाद 5 मिनट बाद किसी ने गोली मारी इसे, लगभग 100 मीटर की दूरी से। मुझे लगता है वहां पर दो लोग थे। अच्छा, और दोनों खूनी एक ही जगह पर एक ही वक्त पे मौजूद थे वरुण को मारने। इसीलिए दोनों को पता नहीं चला कि कौन कब वार करने वाला है वरुण के ऊपर। गोली मारने वाले को पता ही नहीं था कि दूसरे खूनी ने वरुण को पहले ही चाकू मार दिया है। सुलझ गई ना गुत्थी? अरे कहां सुलझ गई, ये तो बताइए कि बाइक का वरुण से क्या कनेक्शन है? यार बताते हैं, रुको। तारिका तुम बताओ। हाँ आप बताइए। देखिए अब तक के हमारे टेस्ट से ये पता चला है कि बाइक के सीट पे जो खून है वो तो वरुण का ही है, लेकिन बाइक के हैंडल पे जो खून है वो वरुण का नहीं है, और हैंडल पे जो फिंगरप्रिंट्स के निशान है वो भी वरुण के नहीं। इसका मतलब बाइक पे दो लोग थे, बाइक कोई और चला रहा था और वरुण पीछे था। फिर तो जो आदमी बाइक चला रहा था उसे भी गहरी चोट लगी होगी इस एक्सीडेंट में। हाँ बाइक तो बुरी तरह गिरी है। एक खूनी वरुण पर हमला करता है, उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाइक पे बिठाकर ले जाता है, और उसी वक्त दूसरा खूनी गोली चलाकर वरुण को मारता है। और इस हमले की वजह से बाइक का बैलेंस बिगड़ा, बाइक किसी चीज से टकराई और वरुण उड़ के सगाई वाली जगह पे पहुंच गया। बिल्कुल बाइक टकराई है, ये देखो बाइक पर ये डेंट के निशान है। लेकिन टकराई कहां पे थी भाई? स्पीड ब्रेकर, ये बाइक वहां स्पीड ब्रेकर से टकराई होगी। पंकज तुम भी गिरे थे ना उसपे? हाँ सर, वो खतरनाक स्पीड ब्रेकर था, अभी तक पैर दर्द हो रहा है। चोट तो जबरदस्त उस बाइक चलाने वाले को भी आई होगी। आसपास के हॉस्पिटल से पता करो, पिछले 5 घंटों में कोई ऐसा मरीज आया है क्या जिसके हाथ पे कोई गहरी चोट लगी हो? इस एरिया में करीब 5 अस्पताल है सर, लेकिन पिछले 5 घंटों में हाथ पर जख्म का केस इसी हॉस्पिटल में आया है। सिर्फ इसी? अरे ऐसे कैसे तुम किसी भी गुंडे को अपने अस्पताल में दाखिल कर लेते हो, हैं? बताओ जरा। देखिए मैडम आप शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाइए, मेरे मिस्टर की हालत देखिए तुमने, कैसी हालत है, और उनके बगल में तुमने गुंडे को लिटा दिया। देखिए मैडम आप धीरे से बात कीजिए। अरे क्या धीरे बोलूं? मैं सबको बता दूंगी इस अस्पताल में क्या क्या हो रहा है, समझे तुम? जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, हल्ला मचा दूंगी मैं इस अस्पताल की, ईंट से ईंट बजा दूंगी, समझे तुम? क्या हुआ? अरे मैडम क्या बताऊं, इस अस्पताल में क्या क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता है। मैं आपको एक सलाह देती हूँ, गलती से भी इस अस्पताल में दाखिल मत हो ना आप कभी भी। नहीं मैडम ऐसा कुछ भी नहीं। अड्डा है अड्डा। नहीं मैम ऐसा कुछ भी नहीं। क्या? कौन कौन गुंडा है? अरे वही सर जो मेरे मिस्टर के बाजू के बेड पे लेटा हुआ है। एक मिनट, क्या उस गुंडे ने आपके मिस्टर पर हमला किया? नहीं नहीं सर, हमला तो नहीं किया, लेकिन पूरी रात अजीबोगरीब तरह के लोग उससे मिलने के लिए आते रहे। क्या वो आदमी ऐसा दिखता? हाँ सर यही तो है। यही है?
कौन से कमरे में है ये? सर ये रूम नंबर 403। और सर जैसा ये मैडम कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो हम देख लेंगे। 403 कमरा कहाँ है? इस तरह सर मैं बताती हूँ आपको। आइए आइए आप, अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा इन्हें सब कुछ। सब छुपा रहे हैं। पूरी रात मैं इतनी परेशान रही हूँ ना सर, क्या बताऊँ आपको। और मेरे मिस्टर भी बहुत परेशान रहे हैं। आइए आप इधर सीधे हाथ को आइए, आइए आइए सर आइए। देखिए वो बेड है ना उधर। भाग गया, भाग गया। कहाँ है गुंडा? भाग गया। भाग गया? भाग गया सर। कहाँ भाग गया गुंडा? लड़की ले गई। कौन सी लड़की? लड़की ले। नर्स डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। जी सर। सर मैं कह रही थी ना आपसे, इस हॉस्पिटल में कोई सिक्योरिटी नहीं है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी का कोई हिसाब किताब नहीं है। पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम लोग तो बहुत घबरा रहे हैं। देखिए नर्स, वो गुंडा कहाँ गया? सर मुझे नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम, तुम ड्यूटी पर थी ना इधर? सर अभी मैं जस्ट ड्यूटी पर आई हूँ। सर कहीं वो स्केच वाली लड़की तो नहीं? हो सकता है। सर सर इनको होश आ गया। यही थी वो लड़की? यही थी वो लड़की। टिकटॉक टिकटॉक करती हुई यहाँ आई, गुंडे से कुछ बोली और गुंडे को लेके भाग गई। इसका मतलब है सर, ये लड़की और वो ज्योतिष दोनों मिले हुए स्कूल में। देखते हैं कहां तक भागते हैं। पंकज सर, पता लगाओ पिछले एक घंटे में इस हॉस्पिटल में कौन से मोबाइल नंबर्स एक्टिव थे। जल्दी सर। 10 नंबर्स एक्टिव थे सर, जिसमें से 9 अभी भी इस हॉस्पिटल में, मगर एक नंबर है सर जो जे विहार कॉटेज की तरफ जा रहा है। जी जी बिहार। हाँ मैंने वरुण पर गोली चलाई थी, क्योंकि उस पर गोली चलाने का पूरा हक था मेरा, और ये सब मैंने अपने फ्यूचर के लिए किया। वाह रे वाह, अपने फ्यूचर के लिए किया, बहुत बड़ा काम किया है ना। अब चुपचाप बता क्यों मारा तुमने वरुण को? मैं फांसी चढ़ जाऊंगा लेकिन नहीं बताऊंगा। ये लो। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट। गाना सुर में गाना याद रहे। मैंने वरुण को अपने प्यार नताशा के लिए मारा। श्री सर मुझे पता चला था कि वरुण नताशा को किसी बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। मैं क्या करूं, वरुण लौट आया है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू बता ना मैं क्या करूं यार, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं अनुज से बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं रह सकती हूँ अनुज के बिना। तू बता मैं क्या करूं। वरुण को मैं छोड़ूंगा नहीं, वरुण मुझे नताशा से दूर नहीं कर सकता। और इसलिए सर मैंने अंश से कहकर वरुण को मेहंदी में बुलवाया। अनुज ने अपने प्यार नताशा को बचाने के लिए वरुण पर गोली चलाई, और तुमने क्यों चाकू चलाया? पैसों के लिए ना? क्यों, किसके कहने पर? सर वो किसके कहने पर, किसने दिए पैसे? शायद नताशा बताई। क्यों नताशा, तुम वरुण को जानती थी ना अच्छी तरह से कॉलेज से? अब आगे की कहानी तुम बताओगी या हम बताएं? बताओ जल्दी। मैंने
मैंने इस कमबख्त को कहा था कि वरुण को मारकर उसकी लाश को दफना देना, ताकि मेरा संगीत, मेरी शादी शांति से हो जाए। पर इससे एक काम भी ठीक से नहीं हुआ। मैंने फोन पर तुम्हें सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी ये लो फोटो। संगीत सेरेमनी में उसे ये फोटो दिखा देना। फोटो देखते ही वो तुम्हारे पीछे पीछे चलाएगा। पता नहीं इस अंश को मेरे संगीत में उसे क्यों बुलाना था। आप अंश को बोल दीजिए इसे मत बुलाए। आई यू मैड? तुम्हारा दिमाग ठिकाने? अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया ना तो सबको मुझ पर शक हो जाएगा और अनुज को भी। मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करना चाहती जिसे किसी को भी मुझ पर शक हो। डोंट वरी, आपका ये काम हो जाएगा। आपके संगीत वाले दिन ही इसकी अर्थी उठेगी। गुड, ये रहे तुम्हारे पैसे। और याद रखना, काम टाइम पे होना चाहिए, समझे? हो जाएगा। मगर ये हो ना सका, ये हो ना सका, क्योंकि बीच में आ गया कमबख्त स्पीड ब्रेकर। मोटरसाइकिल स्पीड ब्रेकर से आकर टकराई, पीछे रखी हुई वरुण की लाश यूं हवा में उड़कर गई और सीधे नताशा जी आपके ताऊ के गोदी में गिरी। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन। डाउनलोड द ऐप। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।